नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार एक्सप्लेनर चैनल में। दोस्तों, कार आजकल की सबसे बड़ी नीड है, लेकिन हर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़ी गाड़ी खरीद सकें, इसलिए हर किसी का अलग अलग बजट होता है। तो आज हम 4 लाख तक की अच्छी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप सभी को पता है कि 4 लाख के बीच में इंडिया में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, और उनमें से हम साइंटिफिकली देखेंगे कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 गाड़ियां अभी इंडिया में है जो कि 4 लाख के अंदर अंदर आपको मिल जाती हैं। एक है मारुति की सबसे फेमस गाड़ी मारुति सुजुकी ऑल्टो, दूसरी है रेनो क्विड, तीसरी है डैटसन रेडिको और चौथी है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जो कि हमारे बजट में हो। बजट है हमारा 4 लाख रुपए। हर कोई बोलता है कि बेस मॉडल ले लीजिए या फिर बेस मॉडल हमें बताया जाता है, लेकिन बेस मॉडल ही नहीं, बेस मॉडल से ऊपर का मॉडल भी आपको मिल जाएगा अगर आप कन्विंस करें तो। आपको इन गाड़ियों के जो प्राइस बताए जाते हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है जब आप गाड़ी खरीदने जाएँ। इस वीडियो में आपको डेली एक्शोरूम प्राइस ही बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं नंबर 1 से बात करूंगा कि आपको सबसे पहली ऑप्शन आपकी कौन सी होनी चाहिए। तो अगर आपको सबसे बढ़िया गाड़ी की बात करें तो मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए अगर आप पहली बार गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मारुति की सर्विस सबसे सस्ती है और इसके पार्ट्स भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं और इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप पहली बार गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बजट कम है, तो मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 आप खरीद सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड ऑप्शन और LXi वेरिएंट भी आपका 3,76,000 रुपये इसकी डेली एक्शोरूम प्राइस है, और जो कि आपको थोड़ा नेगोशिएट करने पे थोड़ा कम रेट पे डेली एक्शोरूम प्राइस पड़ जाएगा और बाकी के खर्चे मिलाकर आपको 4-4.5 लाख रुपये तक की ये गाड़ी पड़ जाएगी। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 800 cc इंजन मिलता है, CNG और पेट्रोल दोनों में ये गाड़ी अवेलेबल है। माइलेज सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है, 31 km/l की माइलेज कंपनी ने क्लेम की हुई है, बाकी आपको 25 से 28 तक की मिल जाएगी। और फीचर्स भी गाड़ी में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और साइज़ वाइज भी गाड़ी ठीक ठाक है। दोस्तों, दूसरी गाड़ी की बात करें तो दूसरी गाड़ी भी मारुति की है, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अगर आपको ऑल्टो अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को होता है कि नहीं, हर किसी के पास ऑल्टो है तो मुझे ऑल्टो नहीं खरीदनी, तो ऑल्टो की जगह आप मारुति सुजुकी एस्प्रेसो ले सकते हैं। एस्प्रेसो का जो हेडरूम है थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है और इसमें इंजन भी आपको बड़ा मिलेगा, 1 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको स्टैंडर्ड से ऊपर का वेरिएंट भी मिल जाएगा। स्टैंडर्ड ऑप्शनल आपको 3,84,000 में पड़ेगा। इसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और माइलेज भी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है, 28 km/l की माइलेज मिल जाएगी। CNG और पेट्रोल दोनों में ये गाड़ी अवेलेबल है और फीचर्स के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियोस डाली हुई हैं। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है गाड़ी की और इसमें आपको 14 इंच के टायर मिल जाते हैं। मिनी SUV बोलकर ये लॉन्च की गई थी इंडियन मार्केट में। दोस्तों, तीसरी गाड़ी जो है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है रेनो क्विड। अगर आपको मारुति की गाड़ी पसंद नहीं है तो आप रेनो की तरफ जा सकते हैं, रेनो क्विड। रेनो क्विड का आपको स्टैंडर्ड छोड़कर RXe वेरिएंट लेंगे तो आपको थोड़े बहुत और फीचर्स मिल जाएंगे जो कि 3,88,000 में पड़ेगा। इस पर भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप थोड़ा कन्विंस करेंगे और थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो। अगर इसके फीचर्स की बात करें, इसमें 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन इस प्राइस में आपको 800 cc इंजन मिलेगा। माइलेज इसमें आपको थोड़ी कम मिलेगी, 22 km/l की माइलेज कंपनी ने क्लेम की हुई है और पेट्रोल में ही ये गाड़ी अवेलेबल है। अगर लुक वाइज बात करें तो क्विड की ऑल्टो से थोड़ी बढ़िया लुक है, बाकी सर्विस की बात करें तो सर्विस थोड़ी सी महंगी है इसकी मारुति से। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, डैटसन रेडिको। डैटसन रेडिको पहले भी चल रही थी, अब इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है थोड़े से चेंजेस के साथ। इस गाड़ी पर भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर आपको दिया जा रहा है। इसका जो बेस वेरियंट है डी है, डी के ऊपर का वेरियंट ए है, ये आपको 3,97,000 में ऑफ़र किया जाता है और जिस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 3,70,000 में ये आपको पड़ जाएगी। ये गाड़ी भी 4 लाख के अंदर अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स के साथ ऑफ़र की जा रही है, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है। और बाकी इसके सर्विस वगैरह की बात करें तो सर्विस भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मारुति।
बूट स्पेस इसमें आपको 222 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, 22 kmpl की माइलेज मिल जाती है और वही 800 cc इंजन मिलता है BS6 मैनुअल ट्रांसमिशन में यह गाड़ी आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये गाड़ियाँ थी चार लाख के अंदर अंदर। अगर आपका बजट बहुत कम है, कोरोना की वजह से बहुत से लोगों का बिज़नेस कम चल रहा है और गाड़ी एक नीड हो गई है, तो आप इन चार गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।